वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमारा फुल वीडियो व्लॉग, सरसों का साग बनाने तक का सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सरसों का साग तोड़ने से लेकर बनाने तक का पूरा प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगी। वहाँ पर मेरे हस्बैंड सरसों का साग तोड़ रहे हैं, हालांकि मुझे साग तोड़ना की नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या तोड़ा जाता है, इसीलिए वो अकेले ही कर रहे हैं। हेलो बुग्गी, तो यहाँ पर हमने साग को तोड़ कर रख लिया है। तो गाइस, हमने साग तोड़ लिए हैं और हम जा रहे हैं घर, और बाकी का प्रोसेस हम घर जाकर बताएंगे। तो गाइस, यहाँ पर अब हम हमारे दूसरे खेत में आ गए हैं। तो यहाँ से हम पालक लेकर जाएंगे, हालांकि सरसों के साग में पालक, मेथी और धनिया पत्ता भी डलता है, तो इसलिए यहाँ से हम पालक लेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी मेथी है और धनिया भी काफ़ी सारा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे और हमारे सरसों के साग में डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम घर आ गए थे और मैं और मम्मी मिलकर यहाँ पर सरसों के साग को क्लीन कर रहे थे। इसमें कुछ पत्ते वगैरह निकालने होते हैं, तो जो पत्ते पक जाते हैं उसको साइड कर कर यहाँ पर इस पार्टिकल को रख लेते हैं। तो गाइस, हमने क्लीन करने के बाद इसे अच्छी तरह पानी में वॉश कर लिया है ताकि कुछ मिट्टी वगैरह ना लगा हो इसमें। तो साग को हम तकरीबन 2 से 3 बार के पानी में हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, और इसे वॉश करने के बाद इसे हमें कट करना होता है, इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक कट करना होता है। तो हालांकि मुझे कट करने नहीं आता है, इसलिए मम्मी कट कर रही हैं। तो देख सकते हैं इसे किस तरह से कट किया जा रहा है। तो गाइस, सरसों के साग को अच्छी तरीके से मम्मी ने कट कर दिया है, साथ ही साथ इसमें पालक, मेथी और कुछ धनिया पत्ता को भी मिक्स करके कट कर देते हैं। और वहाँ पर हमने पतीली में पानी भी चढ़ा दिया है, और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर साग डालेंगे। तो देख सकते हैं पानी बॉईल हो गया है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा नमक डाल देंगे। लगभग 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम साग भी डाल देंगे, जितना भी हमने साग कट किया है वो सारा का सारा साग हम डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसे हम लगभग 2 घंटे के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि साग जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो गाइस, 2 घंटे पूरे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं कि साग हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर साग हो गया है। तो गाइस, अब हम इसके अंदर जो रिमेनिंग वाटर है उसको हम निकाल देंगे, जो भी इसके अंदर जो भी रिमेनिंग वाटर है उसको ड्रेन आउट कर कर इसके अंदर हम दूसरा बॉइलिंग पानी डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर से रिमेनिंग पानी निकाल रहे हैं। इसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको हमको अच्छी तरह से निकाल देना होता है। तो सारा पानी निकालने के बाद
इसके अंदर हम दूसरा पानी डालेंगे जो कि हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर सारा पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो गया है, अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। और चूल्हे पे हम गर्म पानी करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये पानी बॉईल होगा, तो हम साग को घोंट लेंगे। तो यहाँ पर गाइस हम साग को घोंट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मक्की का आटा डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 4 चमचे मक्की के आटे के डाले हैं। तो मक्की का आटा डालने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मुझसे तो मिक्स नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने हस्बैंड की सहायता लेकर इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चालू कर दिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड इसे घोट रहे हैं। इसे हमको कंटिन्यूसली 5 मिनट्स तक घोटते रहना होता है। हम इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट घोटने में जो टेक्सचर आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए हम घोटना ही प्रेफर करते हैं। तो इसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक घुमाते रहना है, जबकि जो सरसों का साग है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडनेस हो जाएगा, तो वो स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली हमको घुमाते रहना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। तो अब हमने जो बॉइलिंग करने के लिए पानी रखा था, इसे हम 2-3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसे मिक्सअप करते रहेंगे। वो हम अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देख सकते हैं कि हमको कितना लिक्विडी चाहिए, हम उतना पानी इसमें डालकर इसे उतना ही थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रख सकते हैं, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का टेक्सचर चाहिए, थिक टेक्सचर चाहिए या लिक्विडी टेक्सचर चाहिए, आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 7 से 8 चमचा पानी का डाल दिया है। तो अब हम इसे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ मेथी के पत्ते हैं, सबसे पहले हम घी में वो डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने रफली प्याज को कट किया हुआ है, अदरक और लहसुन को भी रफली कट किया हुआ है। तो सबसे पहले घी में हम मेथी पत्ता डालकर इसे थोड़ा अच्छी तरह घुमा लेंगे, और बाकी का जो हमने अदरक लहसुन और प्याज रफली कट किया था उसे भी मिक्सअप करके इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो इसे हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनते रहना है, जाकर जबकि प्याज का कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर साग डाल देंगे।
इस तड़के के अंदर हम जितना साग हमने घोटा हुआ है वो इस तड़के के अंदर हम साग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। यहाँ पर मैंने सारा का सारा साग मिला दिया है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। तो हमारा साग बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर धनिया पत्ता गार्निश कर देंगे। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर टैग करिएगा जिसे सरसों का साग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि हमारा साग बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको टेस्ट कर कर बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने मक्की की रोटी बनाई है और सरसों का साग, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर देसी घी डालकर गार्निश किया हुआ है। तो गाइस इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है।